अगर मैं नहीं तो पायल तो बिल्कुल भी नहीं। मुनव्वर ने बाहर आने के बाद पायल के साथ टॉप टू में कम्पीट करने पर दी है एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं मुनव्वर, चलिए आपको बताते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी करने का। अपने रिसेंट विक्ट्री इंटरव्यू में मुनव्वर जो है पायल के साथ कम्पीट करने पर क्या कुछ कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया था, जब आप टॉप टू में थे, तो क्या ऐसा कोई मोमेंट आया था जब आपको लगा हो कि पायल जीतेगी और आप नहीं, या फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि लॉकअप सीजन वन की ट्रॉफी आप ही उठाने वाले हो? तो उसके ऊपर मुनव्वर कहते हैं कि आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो मुझे रियलिटी पता है, मैं रियलिटी समझ सकता हूँ और कहीं ना कहीं आई वॉन्ट से मैं सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, बट यस सेल्फ कॉन्फिडेंट ज़रूर था। एंड बाहर क्या कुछ हो रहा है, अंदर क्या कुछ चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से मैंने कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा लिया था। जब मैं देख रहा था टॉप टू में मैं और पायल खड़े हैं, तो मैं कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयर था, बाकी लोगों की तरह नहीं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है वो पूछता है कि बाकी लोगों की तरह नहीं मतलब आप किसके लिए बोल रहे हो, तो यहाँ पे मुनव्वर कहते हैं वही लोग जो सेल्फ अवेयर नहीं होते। मैं कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयर था और मुझे पता था जब मैं टॉप टू में खड़ा हूँ शायद कहीं ना कहीं मैं ही जीतूंगा। द काइंड ऑफ जर्नी आई हैव हैड एंड द काइंड ऑफ जर्नी पायल हैड, तो मैंने सोचा कि यू नो, अगर मैं नहीं जीता तो ये तो डेफिनेटली नहीं जीत सकती, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस था। इस तरीके से मुनव्वर एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए नजर आए कि जब हम लोग टॉप टू तक पहुंचे थे तब मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि मैं ही जीतूंगा। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक डर भी था, एक बहुत लंबी जर्नी तय करके आया था, लेकिन मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, फैंस पे कॉन्फिडेंस था कि लॉकअप सीजन वन की ट्रॉफी मैं ही उठाऊंगा। तो इसके ऊपर आपको क्या कुछ है कहना, मुनव्वर ने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया है पायल के ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई सी यू गाइस सून।